हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ अचका बैन विजार्ड, और आज मैं आया हूँ एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने रिंग ऑफ पावर के। तो ये एपिसोड बड़ा ही मज़ेदार था और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था। अब होता क्या है कि इसके अंदर जो है बेसिकली सबसे पहले तो वही ग्लैदरियल वाला पार्ट आ रहा है, न्यूमेनोर आ रहा है। तो न्यूमेनोर में जो रानी है मेरोना, उसने ये देखा है अभी कोई बहुत बड़ी फ्लड आने वाली है यहाँ पे, सपने में नाइटमेयर देखा है उसने। और उसके बाद उसने क्या होता है कि भी डिस्कशन चल रहा होता है गैलेड्रियल का। गैलेड्रियल उसको कहती है कि तुम मेरे साथ साउथ में चलो और वहाँ पे हम मिलके जो है सौरॉन के साथ लड़ेंगे। तो वो इस बात पे बड़ी नाराज़ हो जाती है क्योंकि वो उसके फादर का नाम लेती है कि भाई तुम्हारे फादर अगर होते तो चलते। तो इस बात पर उसको उठा के जेल में डाल देती है। और फिर एक सीन अलग से ये दिखाई दे रहा है जो फेरेजॉन है, जो वहाँ का महामंत्री है, वो भड़का रहा है लोगों को रानी के खिलाफ कि ये एल्फ के साथ मिल जाना चाहती है। तो वो अपनी कोई गेम खेल रहा है, वो पता नहीं क्यों वहाँ के लोगों को अगेंस्ट कर रहा है रानी के। तो वो कोई अपनी चाले चल रहा है, ये दिखाया जा रहा है। फिर वहाँ से एक सीन ये भी आता है भी जो इजिल्डोर है उसके और उसके दो दोस्तों को, तो इन तीनों को जॉब से निकाल दिया जाता है और फिर तीनों आपस में ही लड़ पड़ते हैं। और वो सब दोनों इजिल्डोर पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भी तेरा जो फादर है तो उसका नाम का सहारा लेके तेरे को जॉब मिली है, नहीं तो तेरे में कोई वो योग्यता नहीं है या ऐसा कुछ है। तो वो उनकी आपसी लड़ाई चल रही है। फिर इजिल्डोर और उसकी बहन को भी दिखाया गया है न्यूमेनोर में, और ऐसी सीन चल रहा है वहाँ पे। और जो इजिल्डोर की सिस्टर है उसके पीछे एक युवक है जो उसके ऊपर थोड़ा लट्टू है और बार बार उसके साथ जो है वो बात करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखा रहे हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि प्लेंटी और आता है। प्लेंटी आपने देखा था ना जो लॉर्ड ऑफ द रिंग में, जब आपको याद है कि वो जो पिपिन जो होता है वो प्लेंटी और चुरा लेता है और गैंडाल्फ का, और फिर बेहोश हो जाता है और गोला सा होता है एक प्लेंटियर जिसमें आपको फ्यूचर दिखाई देता है। तो वो उसमें देखती है तो फ्लड व्लड दिखाई देती है, सौरॉन की सेनाएं दिखाई देती हैं, कुछ ऐसा कुछ दिखाई देता है उसको। तो अब वो रानी जो है मीरूना उसके साथ जाने के लिए एग्री हो गई है, और वो मतलब उसके साथ जाएगी साउथ में, और उसके लिए एक सेना तैयार करी जाती है, अनाउंसमेंट करी जाती है। तो उस अनाउंसमेंट में जो है वो पूछती है कि जो लोग चलना चाहते हैं वो चलें साथ में युद्ध के लिए। तो फिर वहाँ से जो है लोग, कुछ लोग इजिल्डोर हाँ कर रहा है। अब आगे ऐसे ही कहानी बनेगी भाई, इजिल्डोर ही तो काटता है उंगली सारोन की, तो रिंग जो है उसको सबसे पहले मिलती है। और उसका जो फादर है एलेंडोर, वो बाद में ये सारे ना नाजगुल बन जाएंगे सारे, मतलब बाद में आपने देखा ही था कि नाजगुल नहीं होते जो बड़े बड़े अजीब से कौवे से होते हैं काले, जिनके ऊपर बैठ के आते हैं वो, और लड़ाई में भी दिखाया गया लॉर्ड ऑफ द रिंग में। तो ये अल्टीमेटली तो एलेंडियर भी आपको पता ही है, इजिल्डोर ये सब नाजगुल बन जाते हैं बाद में, सौरॉन की आत्माओं को तड़फाता है, और ऐसा कुछ आगे होगा। दूसरी बात है कि उधर और दूसरी कहानी चल रही है, अदार दिखाया। हाँ, अदार बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है। अदार एक विलन दिखाया है जो कि एक एल्स है, लेकिन वो ज़्यादा और उसको अपना पिता मानते हैं। तो एक और के दिखाते हैं जो इच्छा मृत्यु मांग रहा होता है, तो क्योंकि वो इंजर्ड होता है तो वो उसको मार देता है। तो वो और बड़े खुश हो रहा होता है मरने से पहले कि वो पिता के हाथ से मर रहा है, तो बड़ी इज्जत करते हैं। तो वो अब वो जो पूछता है उससे एलेंडियर कि ये क्या चक्कर है, मतलब तुम और जो और हो एल वो तुम हो क्या? तो वो अब पता चलेगा कि वो सौरॉन के साथ होगा या वो कुछ अपनी गेम खेल रहा है, उसका अपना ही कुछ प्लान है। फिलहाल वो उसको ये कहता है कि भाई तुम जो लोग वहाँ छुपे हुए हैं ना मीनार के ऊपर, उनको जाके तो मेरा संदेश देगी, वो मेरे साथ मिल जाए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो वो उसको भेजता है। फिर रास्ते में वो जो उसका लड़का होता है वहाँ की जो लीडर है, उसका लड़का जो है वो फंस जाता है, वो और फंस जाता है और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो वो अपनी तलवार निकालता है। अब वो तलवार जो है आपने देखा कि वो तलवार आपने रिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग में भी देखी थी, तो ना वो मॉर्गल की तलवार है। अब उसके पास वो कैसे आई है और क्या सीन है उसका, कुछ चमत्कार तो है उस तलवार के अंदर।
तो वो आधी से पूरी हो जाती है जब वो ऑर्क आता है तो लड़ता है, तो फिर ऑर्क उसके पीछे पड़ जाते हैं तो एलेंडियर ही वहाँ आके बचाता है ऑर्क से उसको। ये सीन बड़ा अच्छा था, मतलब वीडियोग्राफी एनिमेशन वगैरह बड़ी अच्छी थी यहाँ पे, और उसको वो सेव करता है। और दूसरी बात ये है कि फिर वो रोशनी में आते हैं तो ऑर्क पीछा कर नहीं पाते, तो इस तरह से वो बचा लेता है। फिर जो लीडर है वो एलेंडियर की तरफ अट्रैक्टेड है, शुरू से ही दिखाया गया है इसमें, तो उनकी आपस में बातचीत चल रही होती है, तो वो आधार का मैसेज उसको देता है। तो उसके बाद जो है फिर दोबारा से न्यूमिनोर का आता है और उसका सीन आता है, क्या कहते हैं, ड्वार्फ का। अब ड्वार्फ लैंड में कुछ खजानों में कुछ अलग ही चल रहा है, वहाँ कुछ खुदाइयाँ चल रही हैं, कुछ सुरंगें बनाई जा रही हैं। ये सुरंगें इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि आपको पता है कि जब माउंट डूम फटेगा, आपने देखा था लॉर्ड ऑफ रिंग में, तो मॉर्गल में सारा धुआं धुआं फैल जाएगा, सांस भी नहीं ले पाएंगे, तो ये सारे काम फिर सुरंगों में ही होंगे। तो सारी सुरंगें बनाने लगे हैं, उधर से ड्वार्फ, इधर से वो क्या कहते हैं आपका ऑर्क भी लगे हुए हैं। ऑर्क तो बड़े तगड़े दिखाए हैं इसमें। अब वो वहाँ पे फिर एक सुरंग होती है जिसका मतलब पता चलाता है जो उसका दोस्त है आपका ड्यूरिन का, उसकी वाइफ जो दिशा होती है, एलरॉन्ड और दिशा में बातचीत दिखाई है, तो उससे वो सीक्रेट पता करने की कोशिश करता है। फिर वो किसी मंत्र से उस दरवाजे को खोल लेता है, तो अंदर एक वो देखता है एलॉय, और वो बाद में बताता है कि मिथेंडियल एलॉय है, जिसने आपने देखा था ना फ्रोडो को वो एक तलवार मिली थी मिथेंडियर की, तो जो ऐसा एलॉय होता है कि जिसके अंदर से तलवार भी नहीं जा पाती, ऐसा मेटल होता है वो। तो वहाँ पे कुछ उनकी वो दिखाई है बहसबाजी, और उसके बाद फिर वो आमंत्रण देता है उसको कि भी साथ में चले तुम अपनी एल्स की जो जगह है वहाँ पे, तो अपने फादर से पूछता है, थोड़ी उसकी और फादर की बहस होती है, तो फादर उसको यही सजेस्ट करते हैं कि तू जा वहाँ पे और जा के देख क्या मादरा है, हमारे मतलब की कोई बात है उसमें कि नहीं है। फिर एंड में वही आपका गैलेड्रियल और वो दिख रहे हैं कि वो जा रही हैं गैलेड्रियल और जो रानी है वो मिलके, और अब वो साउथ में जाएंगे, साउथ की भूमि वही होगी ना मॉर्गुल जो बाद में बन जाएगी, जहाँ पे सारी फ्रोडो और रिंग लेके गया था फ्रोडो और सैम का वॉइस केंजी जो है, तो वो बाद में साउथ की तो भूमि थी वो, फिर वहाँ से बैटल होगी सारी। तो अब आगे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये जो एपिसोड 4 था मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बढ़िया था, और काफ़ी स्टोरी यहाँ से आगे अब क्लियर होती जा रही है। स्टोरी तो यही है कि भाई सारोन के खिलाफ सारी जंग होनी है, अल्टीमेट स्टोरी तो यही है। अब ये यहाँ क्लियर हो रही है कि वो जंग कैसे लड़ी जाएगी, कौन कौन उसमें शामिल होगा, आदमियों का लीडर कौन होगा, हेलब्रैंड होगा, और वहाँ पे आपकी गैलेड्रियल होगी, एलरॉन्ड होगा, फिर बोने में कौन आएगा, क्योंकि ड्यूरिन को भी रिंग मिली थी एक जब नो रिंग बटी थी जो ड्यूरिन द ग्रेट था। तो अब ये क्या माजरा है आगे जाके कुछ समझ में आएगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था, और कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल पे जो एच खब एन विजार्ड है उस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, रिंग ऑफ पावर की तो पूरी सीरीज ही चल रही है, तो आप जुड़े मेरे चैनल से, ज्वाइन करें इसको, और आप डेफिनेटली बहुत इन्जॉय करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।